नमस्कार, मैं अभी सिद्दीकी और आप देख रहे जोहार न्यूज। जैसे कि मैं आपको पंचायत का हर कवरेज को दिखा रहा था, इसी क्रम में हम चलते चलते बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत सांसपुर साकी पंचायत आ गए हैं और यहाँ पे मैं पूरा पंचायत घूमा और आपको पूरा पंचायत का विकास को दिखाया। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम सुने, इरफान मुखिया का। तो उसी क्रम में हम चलते चलते फिर इरफान मुखिया के पास आ गए हैं और हम इसी से जानेंगे इसके पंचायत का हाल, और इससे ये भी जानेंगे कि आखिर आप जब जीत के आएंगे तो आपका पहला कदम विकास पे क्या रहेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम है। अच्छा। मेरा घर बसंतपुर है। अच्छा। मेरी पत्नी पूर्व यहाँ मुखिया रह चुकी है। अच्छा। वर्तमान में अभी दूसरा मुखिया है। अच्छा। कुछ वोट से हम दो बूथ पर पूरा मतलब मतदान में गड़बड़ी हुआ था, उसके चलते हम कुछ वोट से हम हारे हैं। अच्छा। तो इससे पहले जो आप 5 साल मुखिया के पद पे रहे हैं, तो उस आप अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, क्या क्या विकास के पंचायत में वैसे 4-5 काम बताया हमको। देखिए, अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो पहला चुनाव हुआ था, सबसे कम राशि मिला था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद भी हमने ब्लॉक पर अपना पुराना परिसर बना के, अच्छा, मैंने जितना था अपने स्तर से वृद्धा पेंशन लाल कार्ड जितना बना है मेरे दौर में, वो सब हम ही लोग बनवाए थे बैठ के। अच्छा। पहला मुखिया का पहला काम था कि जितना लाल कार्ड था सबको पहला बनाया गया। अच्छा। और उसके बाद जितना भी गांव में एकदम कठिन सब रोड था जहाँ चलने लगने था, वो सब में कार्य हुआ है और वो सब काम अच्छा पहली बार में हुआ है। अच्छा। आप अपने कार्यकाल में और कितना नल जल की योजना, कितना वो दिलवाए आप अपने गांव में, और कितना वृद्धा पेंशन करवाए, कितना पीएम आवास करवाए? देखिए, इसका तो एग्जैक्ट नहीं, फिर भी आप अनुमान, लेकिन सबसे अधिक जो प्रखंड में हुआ था, पहले तो पथरमा प्रखंड था जी, उसके बाद बसंतराय प्रखंड नया हुआ है जी, उसमें हम सब मतलब पंचायत से सबसे ज़्यादा विकास अगर हुआ है तो वो सांसपुर साकी में विकास। मैंने कोरोना काल में जितना भी कार्य किया हूँ, यहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो ई लगाए थे, उसमें भी हम अपने स्तर से बहुत सहयोग किए हैं। कहीं बाहर में फंसा है, कहीं महगामा भी कैंप लगा था, वहाँ से भी मैं कार्य किया हूँ। कई आदमी को दिल्ली भेज के अपने स्तर से पैसा भेज के भी मंगाया हूँ। कहीं अगल बगल में फंसा है तो उसको भी हमने अपने स्तर से मैं मंगा के अपने घर पर बेड दे के उसको यहाँ खाना खिला के उसको बिहार तक मैं यहाँ से भेजने का कार्य किया हूँ। अच्छा। और कई एक टाइम तो मुझे सरकारी कैंप में भी खाना भेजना पड़ा और भेजते थे। अच्छा। और मेरे 7-10-20 लड़का साथ में रहता था। अच्छा। जो कि सब मिल के उसका हम लोग सहयोग करके उसको अपने अपने स्थान पर पहुँचा देते थे। आप मुखिया जी का बयान सुन के आप खुद जान सकते हैं कि किस तरह कितना बड़ा समाजसेवी के रूप में गरीबों का मसीहा बन के काम किया। अगर आप जो है कि अभी पंचायती चुनाव में आप आ गए हैं और अगर आप जीत जाते हैं, तो जीत के जब आएंगे तो आपका सबसे पहला कदम अपने विकास पे क्या रहेगा आपका? मेरा सबसे पहला शिक्षा पर रहेगा। अच्छा। उसके बाद इस पंचायत में जितना विकलांग लोगों का जो परेशानी था उसको हम दूर करेंगे। जो एकदम अत्यंत अपना बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, उसका हम अपने स्तर से प्रयास करके उसको पूरा सहयोग करेंगे जी। आप सुन पा रहे हैं कि इस मुखिया का कहना है, अगर मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहला कदम शिक्षा पर रहेगा जी। सही इसने कहा है कि शिक्षा रहेगा तभी हमारा जो है कि आने वाला भविष्य ठीक होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे हम आपका पूरा पंचायत घूमे और जनता जनार्दन जो है कि सिर्फ एक ही नाम ले रहा है, इरफान मुखिया, तो जनता जनार्दन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे चैनल के द्वारा आप अपने जनता को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सांसपुर साकी पंचायत के जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि आज मेरा नाम ले रहा है। उसका कारण है कि मैंने 5 साल हारने के बाद भी सबके साथ में सना बसाना भाई के तरह रहा हूँ। आज भी किसी का चप्पल खराब हो रहा है तो एक नंबर में वो याद करता है मेरा मोबाइल से, तो मैं सबसे पहले उसके यहाँ मिस्त्री भेज देता हूँ। अच्छा। और उसको मैंने ठीक करा देता हूँ। अच्छा। इससे हमको किसी के ऊपर यह नहीं है कि आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। किसी का कोई भी बात हुआ तो मैं 24 घंटा उसके लिए अपना मोबाइल खुला रखता हूँ, उसके पास पहुँचता हूँ। अच्छा। तो आप मतलब 5 साल के कार्यकाल में जो आप मुखिया नहीं रहे, इसके पहले आप मुखिया थे है ना, 5 साल के कार्यकाल में जो आप मुखिया नहीं रहे फिर भी समाजसेवी के रूप में कार्य किए थे है ना? हाँ, समाजसेवी के रूप में कार्य किए हैं। किसी को कहीं अगर किसी का किडनी भी खराब हुआ है तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलके मैं कई एक आदमी का वहाँ से पैसा दिला के वो भी मैं कार्य किया हूँ। किसी का
हार्ट का ऑपरेशन कराया हूँ तो मुख्यमंत्री से मिलकर उसका खर्च किया, या कोई भी ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए मैं उसके उससे आगे जाके उसका काम करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ के मुखिया से ही खुद इस पंचायत के कार्यशैली को सुने, और फिर यहाँ जैसे कि ये जो है कि इरफान मुखिया यहाँ पे गरीबों का मसीहा बन के जी रहे हैं, इसलिए यहाँ के जनता जनार्दन लोग सिर्फ इरफान मुखिया का ही नाम ले रहे हैं। बने रहिए।